जिज्ञासा ही नहीं है तो फिर आगे क्या करना है। चलो नारायण हरि करते हैं, इन लोगों को जिज्ञासा आएगी तब कथा सुनेंगे। नारायण नारायण करो, जिज्ञासा आएगी तब आगे बढ़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि तेरी लीला। ये भैंस के दूध का कमाल है कि बैठे हो। कल सबको पता था कि कथा के भीतर नाचने से दुनिया के सामने नहीं नाचना पड़ता। ये भैंस के दूध के असर देख लो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन thank you।
लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन्नारायण
ज्यादा आलस चले तो थोड़ा भजन कर लेना चाहिए। चलो एक बात तो अच्छी, कम से कम जो उठे नहीं वो अपनी जगह ताली बजा कर तो थोड़ा कर रहे। गुड। वे स्केल कंटिन्यू चालू है सबके लिए। रंग और कर्दम कलम ने जाना, दोनों ने तपस्या की और उनकी तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र भयभीत हुए और इंद्र ने जो है कर्दम्ब को मार दिया। रंभ को बहुत अफसोस हुआ कि मेरे भाई को मार दिया। उसने और तप किया कि मैं इंद्र से भी बदला लूं। उसने मेरे भाई को मार दिया। जब 10,000 वर्ष तक उसकी इस तरह से तपस्या चलती रही तो ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। बोले प्रभु मुझे ऐसा वर दो कि मुझे पुत्र हो और वो इस पूरे लोक पे अपना कब्जा कर ले, से जीत ले, तीनों लोक उसके अधीन हो जाए, ऐसा पुत्र दो। लेकिन उसके मन में मांगते समय रोष था, इतना तप करने के बाद मांगा भी तो पुत्र। तुमको तुम ही से न मांग लू तो फिर क्या मांगा। मांगना है तो आपसे हम आप ही को मांग लेना, बाकी चीजें मांग के क्या फायदा, आज है कल चली जाएगी। पर तामसी बुद्धि में ये बात नहीं आती। तामसी बुद्धि सोचती है मुझे ये मिल जाए, घर मकान गाड़ी पैसा नाम दौलत शौहरत, वाह वाह वाह, बस उसमें खुश, जो सब जाने वाला है उसमें खुश। उसने भी ये मांग लिया, ऐसा पुत्र हो जो मुझे जो त्रिलोक विजयी कर ले। ठीक है, ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोला, वहां से चले गए। पर इसके पहले घटना घटती है और वो ये कि रंग जो है वो अग्नि में भाई के मर जाने की दुख में बहुत तप करता है तो उसको लगता है कि अब मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अपनी ही गर्दन काट के सोचता है कि मैं अवन में डाल दूं, भगवान आ नहीं रहे। यहां बहुत लोग ऐसा करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा, हवन में हाथ चला बैठते हैं और भगवान को कोसते हैं, बहुत लोग करते हैं। उसने अपने कैश पकड़े और जैसे ही अपनी ऐसे तलवार से गर्दन काट के आहुति में देने जा रहा था, अग्निदेव सामने आ गए। अग्निदेव ने कहा भाई आत्महत्या मत करो। ये शब्द आया वहां पर कि आत्महत्या मत करो, अग्निदेव ने स्वयं ये शब्द कहे रंभ को। आत्महत्या करना पाप नहीं महापाप है, मरने के बाद तो फिर भी आपको एक दिशा मिलती है कि आप अपने कर्मों के अनुसार गति पाते हो, लेकिन अगर आत्महत्या कर ली तो कहीं के नहीं रहोगे, न यहाँ के न वहाँ के, बीच में अधर में लटक जाओगे, भटक जाओगे। जो आत्महत्या करता है उसको तुरंत मोक्ष मुक्ति गति नहीं मिलती। जैसे भागवत में दुंदुकारी, उसको गया जी कर दिया, उसके गौकर्ण ने गया जी कर दिया, उसके लिए गया जी का श्राद्ध ऐसा है जिसमें अंतिम जो आप जो पेड़ा बनाते हो
जो पिंड बनाते हो, सब जगह जो है वहाँ पे 84 जगहें हैं, 84 जगहों पर शिलाओं पर आप जो पीड़ा बनाते हो वो जौ के आटे का होता है, जौ या चावल विशेष रूप से जौ, और अंत में जो होता है वो कल्पवृक्ष, उसके नीचे जो पेड़ा होता है, जो जो जिसको श्राद्ध में तर्पण लास्ट करते हैं, सबसे लास्ट वाला कल्पवृक्ष के नीचे वो जो लोया बनता है, वो जो पेड़ा बनता है, जो पिंड बनता है, वो मावे का होता है। उसका अर्थ ये कि 84 जहां जगहों पर मैंने पिंडदान कर दिया, तो अब जो है मेरे पितृ जो है वो पितृ नहीं रहे, अब वो पितृ देव हो गए। जब वो वहां पर मावे का पिंडदान आप कर देते हो, यानी ये जौ तो इस शरीर के लिए है, मावा पंचामृत से बनता है, दूध से बनता है जो पंचामृत में से एक है, यानी आप वहाँ पे अमृत का जो है, अमृत से बने मावे से आप पिंडदान करते हो। और उसका अर्थ ये है क्योंकि अमृत देवताओं को हम अर्पण करते हैं, तो मेरे पितृ देव हो गए। और गया जी करने के बाद धुंधुकारी को उसके कर्मों के कारण मुक्ति नहीं मिली थी, तब वो कथा ने उसको मुक्ति दी। यहाँ परीक्षित को देवी भागवत कथा ने भी मुक्ति दी कल्पानुसार। आत्महत्या महापाप है, आपको यहाँ तो उसको गया जिससे मुक्ति नहीं मिली, और वो समय तो अलग था, गौकर्ण जैसा भाई था उसके पास। क्या आपके पास गौकर्ण जैसा भाई है जो आपकी मुक्ति कर सके? जो लोग ये डिप्रेशन में, कहाँ की ये फजेतीलाल बीमारियां आ गई हैं हिंदुस्तान में, मतलब ही नहीं है इसका कुछ। आत्महत्या महापाप है, आपने ईश्वर के दिए हुए जीवन का अपमान किया, आपने अपनी ताकत को इस्तेमाल ही नहीं किया, अपने आप को परखा ही नहीं, आपने अपने प्राणों को साधा नहीं, प्राणायाम नहीं किया, आपने आपकी जिह्वा से सिर्फ फालतू की बातें की और चटकारे लिए। अगर आप भोजन सिर्फ अपने उदर की तृप्ति के लिए लें और उतना ही स्वाद लें जैसे ठाकुर जी की प्रसादी पाई हो, तो ये जिह्वा पे स्वाद लेना उचित है, वरना इससे अधिक स्वाद लेना भी इसका व्यभिचार है। माला करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ये जबान का व्यभिचार है। फोन पे मोबाइल पे घंटों जो बात करते हो, ये आदत बिगड़ रही है इसकी। अरे वो टेलीविजन में कोई सीरियल आया, अब वो आपने देखा, अब अपने फ्रेंड को फोन लगा के बताओगे, पता है आज के सीरियल में ऐसा हुआ। अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो, समय का दुरुपयोग कर रहे हो, इतना टाइम मिलता कैसे, कहां से आता है इतना टाइम आपके पास? भाई हमें भी बताओ, हद हो गई पूरी स्टोरी। फिल्म आप देखकर आए हो, जिसका जो शुद्ध चित्त में उसको भी आके पूरी कहानी बता दोगे, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे भाई इससे तो टिकट ही ला देता, वो खुद चले जाता। क्यों अपना ऊर्जा खत्म कर रहे हो, दो माला कर ले उतनी देर में। बहुत बड़ा मंत्र हो तो बात अलग है, वरना जो साधारण तरह जो स्वयं सिद्ध मंत्र है, अगर इनकी माला करो, और अगर आपको आदत नहीं भी हो तो एक माला करने में 2 से 5 मिनट के ऊपर मुझे नहीं लगता लगते होंगे, मुश्किल से 2 से 5 मिनट का काम है। लेकिन एक माला का बड़ा मैजिक होता है, बड़ा चमत्कार हो जाता है, जादू हो जाता है। सुबह सुबह एक माला कर लो, सारा दिन आपका बढ़िया जाएगा। ये डिप्रेशन विप्रेशन, ये फालतू की नेगेटिव बातें आती नहीं है, सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा आला बला ऐसी छटक जाती है।
दो से पांच मिनट, इससे अधिक समय नहीं लगता एक माला करने में, 108 बार मन का घुमाने में। हम तो आपको एक और बात बता दें, आपको माला भी नहीं फेरनी, चलो इससे भी इजी रास्ता बता दूं, थोड़ा समय देखते हुए कि कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा सिमर सिमर न उतरे पारा, आपको 108 बार गिनना ही है ना आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। माला तो मन का होना चाहिए, जितनी सांस चले उतनी बार नाम चलना चाहिए हकीकत में। सरस्वती माला नाल सिमरा में तेरा नाम, माला जो है ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं भी करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट से चार पांच मंजिल से तल पे जाना है, ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, तो आप बोल सकते हो राम राम को 21 बार 27 बार बोल सकते हो, गिनती के साथ बोल दो, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार, राम राम पांच, राम राम छह, राम राम सात, राम राम आठ, राम राम नौ, राम राम दस, राम राम ग्यारह, राम राम बारह, राम राम तेरह, राम राम चौदह, राम राम सोलह, राम राम इक्कीस, चलते फिरते। आपको आसन की सुचिता नहीं है, चलो मत रखो, माला की सुचिता नहीं है मत रखो, आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट क्योंकि आप कथा में हो। भाई कथा में होने का फायदा तो कुछ मिलना चाहिए ना स्पेशल, क्योंकि माँ की कथा के आंचल में आ गए हो, और माँ तो ममता में ही है, वो तो सोचती मेरे बच्चे को कैसे ज्यादा और बढ़िया दे दूँ। एक सौ आठ का आधा 54, यहां से आप बाहर तक जाएं इतनी देर में 54 हो जाता है। यहां से अपने घर तक पहुंचेंगे 21-21 करके पांच बार कर लो, और ऊपर से चार पांच आठ दस कर लो, एक एक्स्ट्रा 108 हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, नाम का नाम हो जाएगा, काम का काम हो जाएगा। और जब बहुत आप उदास हो ना, डिप्रेशन लग रहा हो, कोई बुरी खबर सुन ली हो, अपना कमरा जाके बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए, पांच मिनट के लिए बस, ज्यादा नहीं, और चिल्ला चिल्ला के बोल लो 108 बार, गिनती के साथ बोलना माला के बिना, चाहे पलंग पे बैठे बैठे। जो लोग बुजुर्ग हैं उनको तो शरीर वैसे नहीं साथ देता है, उनके लिए तो छूट है, वो लेटे लेटे भी बोल सकते हैं। कितना बोलना है, काउंटिंग गिनती सबको आती है, इतना पैसा गिना जिंदगी भर की, अब इतनी गिनती तो आती है, है? 100 रुपए में कितने सिक्के होते हैं सबको पता है। बस वैसे ही गिनना है, राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, जोर जोर से। आपका देखो कैसे नेगेटिव कोई एनर्जी हो भाग जाएगी, या कितना डिप्रेशन अपसेट हो, कैसी भी खबर आपने सुनी है, आपका मन शांत हो जाएगा, आप विचलित नहीं होंगे। राम स्वयं सिद्ध मंत्र है, कुछ स्वयं सिद्ध मंत्रों में से राम है, इसे आपने किसी गुरु से न भी पाया हो तो भी जपे तो भी ये काम करता है, इसको तो उल्टा जप लो तो भी चल जाता है, आप तो सीधा जपोगे तो मरा मरा बोल के तर गए। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 कहो राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम,
राम 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 कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 कहो राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 कहो राम 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 कटे दुख मिटे लेत राम नाम भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम भव समुद्र सुखद एक राम नाम परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम निराधार को आधार एक राम Oh,